हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे घर पर कोई सब्जी नहीं थी। मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो घर में था बेसन, तो सोचा कि कुछ चटपटा स्वादिष्ट रेसिपी बनाया जाए। तो आज क्यों ना बेसन की एक ऐसी सब्जी बनाओ जो नॉनवेज को भी टक्कर दे देगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप बेसन ले लिया है, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच हमें ऑयल डाल देना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाएंगे ना तो आपकी बेसन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फ्रेंड, इसका हम अच्छे से डो तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए, नरम बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कीजिए। इसमें पानी हमें ज़्यादा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को फ्रेंड्स अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह आप अच्छे से इसका डो तैयार कर लीजिए। तो सख्त डो मैंने तैयार कर लिया है अच्छे से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, एक थाली ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो मैंने उसे दो पार्ट में तोड़ लिया है। एक पार्ट में देखिए इस तरह लोई बना लीजिए। लोई बनाने के बाद फ्रेंड इसे हाथों से प्रेस कर लीजिएगा। आप उंगली की सहायता से भी कर सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं। चाहे हाथों से आप जैसे लोइया बनाते हैं उसी तरह का भी कर सकते हैं, या फिर नीचे रखकर आप इसे फिंगर की सहायता से भी इस तरह दबा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड, तो इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही नई रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं, एक पैन ले लीजिए। पैन की सहायता से फ्रेंड इसे हमें देखिए अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो जहाँ पैन है फ्रेंड वहाँ पर रहने देंगे इसका। इसी तरह अच्छे से दबा के इसे प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं, अब पैन का हम निकाल देंगे। तो काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गए फ्रेंड। इसी तरह हम दूसरे को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही झटपट और आसान तरीके से बन भी जाता है फ्रेंड। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को पूरा देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं आधा चम्मच ऑयल और बाकी कुछ भी नहीं डालना है। अब पानी हमारा जब थोड़ा सा उबलने लगे फ्रेंड, उसमें हम जो बनाए थे इसको डाल देते हैं। अब डालने के बाद फ्रेंड इसे हम ढक कर लगभग 10 मिनट के मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। तो देखिए अच्छे से कुक होने के लिए रख दिया है फ्रेंड। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में यहाँ फ्रेंड देखिए, मैंने ले लिया है एक हरी इलायची ले लिया है, एक बड़ी इलायची ले लिया है और 4 से 5 काले मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और लवंग ले लिया है फ्रेंड। अब इन मसालों को डालेंगे ना तो इतनी स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड। बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना दही के हम आसानी से इस रेसिपी को बनाएंगे और ये देख सकते हैं इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस मसालों में मैंने आधा चम्मच सरसों डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसका अच्छे से हमारा देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। इसे मैं कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तब तक फ्रेंड देख सकते हैं हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गया है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड। देखिए बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया है फ्रेंड। इसके ऊपर जो छोटे छोटे बबल्स फ्रेंड, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब ठंडे हो जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ठंडे हो चुके हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। अब इसे हम नाइफ द्वारा कट कर लेते हैं। तो इसी तरह देखिए आप छोटे छोटे साइज में कट कर लीजिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल मछली के शेप में तैयार हो गया है फ्रेंड, बिल्कुल नई रेसिपी है। इस तरह आप बनाकर देखेंगे ना तो मछली भी फेल कर देगा अगर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखेंगे तो। बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल से। अब तेल हमारा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता ले लिया है, उसे डाल देते हैं। और डायरेक्ट हम देखिए जो मसाला मैंने गर्म मसाला पीस के रखा था उसे डाल देते हैं। अच्छे से हम भूनते रहेंगे फिर, इसे लो फ्लेम पे ही भुनेंगे ताकि हमारा मसाले में काफ़ी अच्छे से खुशबू आ सके। जब तक मसाले हमारे भून रहे फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ मसाले और तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3 टमाटर ले लिया है। 3 टमाटर को हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करके डालेंगे। इसका पेस्ट तैयार करके डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से ग्रेवी में बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे ग्राइंड करके मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें मैं टोमेटो ऐड कर दे रही हूँ। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको मेरी ज़रा सा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से, इसी तरह हम भून लेंगे फिर इसे, भूनते भूनते फिर अच्छे से जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ ही इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, वो भी आधा चम्मच मैंने लिया है। फिर अब अच्छे से इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं, खट्टापन आएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है फिर, लगभग एक मिनट के लिए। तो एक मिनट में काफ़ी अच्छे से मसाले पक जाते हैं, तो दे सकते हैं अब इसमें जो मैंने बना के रखा था बेसन का उसे डाल देते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो बहुत ही कम समय में फिर घर में जब कुछ भी सब्जी समझ में ना आए तो इस तरीके सब्जी आप ट्राई कीजिए, बिना लहसुन प्याज के आप आसानी से इसे बना सकते हैं घर में, और देखने में खाने में इतनी टेस्टी है ना, तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे अगर एक बार मेरी तरीके से सब्जी ट्राई कर लेंगे तो। तो यहाँ पर मैंने ढक कर 2 मिनट के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएँ। अब इसमें जो मैंने पानी फेन जिसमें ने उबाल करके रखा था वो डाल सकते हैं, अगर आपको ना पसंद हो तो आप दूसरा पानी ले लीजिए। तो ग्रेवी के हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा आपको डालना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जितना पानी मैंने उसमें डाला था उसी को यूज़ कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद फेन इसे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे कुक होने के लिए। 10 मिनट में काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी गर्मा गर्म तैयार हो गई है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हुई है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे देखिए आप हरा धनिया डाल देते हैं, साथ ही इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, इसका फ्लेवर काफ़ी मज़ेदार आता है तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। तो इसे अब मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। लीजिए हमारी बहुत ही झटपट टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड, ये सारी सब्जियों को फिल कर देगा अगर आप इस तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे तो। 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी झटपट आप इसे आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। तो दे सकते हैं इसका थिकनेस ग्रेवी कितना टेक्सचर अच्छा है, आप इस बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रेवी हमारी तैयार हुई फ्रेंड। तो आपको जैसा ग्रेवी कम या पतला जैसा पसंद हो फ्रेंड उस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।